सबको प्यार करते हैं हम, सबको प्यार करेंगे हम। और मैं उनको भी निवेदन देना चाहता हूं कि ये जो जातीय कांग्रेस आज है, ये अलग कांग्रेस है। इस कांग्रेस में सब आ सकते हैं, हमारा दरवाजा खुला है, आप आइए। ये कांग्रेस आपका है, हम जानते हैं कि यहां में जो जो भी कांग्रेस में आना चाहता है, कांग्रेस को वोट करना चाहता है, हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। आपको धमकाएगा, सीपीएम भी धमकाता था 2018 में, सब जगह लाल झंडा था, दुकान के सामने लाल झंडा था, मोटरसाइकिल में लाल झंडा था, आपके घर के सामने लाल झंडा था, सीपीएम का झंडा था। लेकिन 18 फरवरी में जब आपने वोट दिया, किसी को मालूम नहीं लगा, लेकिन सीपीएम इस राज्य से के लोग थक चुके थे और सीपीएम को उन्होंने हटाया। आज वही वातावरण हो रहा है यहां, सामने बीजेपी का झंडा, दुकान के सामने बीजेपी का झंडा, लेकिन सब जानते हैं कि एक साल में यहां में कुछ उन्नति नहीं हुई है। कहा गया था 50,000 नौकरी मिलेंगे आपको, मिला नहीं मिल गया लगता, सब तो कुछ चुप है, मिला। प्रधानमंत्री बोलते कि 90% जो उन्होंने वादा किया वो हो गया। उन्होंने कहा था कि मिस कॉल दीजिए, फोन में एक मिस कॉल कीजिए, मिस। मुख्यमंत्री कहता है आप ग्रेजुएट हो तो हो, पान बेचो, दूध बेचो, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। 2018-19 में कोई ऐसा वक्त पर रखता है, पूरा हिंदुस्तान हंसता है जब ये बात चलता है। कहते हैं कि गोपाल बाबू का मैं कुछ गौरव करना चाहता हूं, जानते हैं, देखा है, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय, इसको कहते हैं क्या, स्मार्ट फोन। मुख्यमंत्री कहता है कि हम सबको स्मार्टफोन देंगे, घोषणा पत्र में लिखा था स्मार्टफोन मिलेगा, मिला नहीं मिला, नहीं। प्राइम मिनिस्टर आया था, अस्तबल में भाषण दिया, उन्होंने कहा कि 90% जो उन्होंने कहा है वो पूरा हो चुका है। तो मिला होगा स्मार्टफोन आपको, मिला हमारे, मिला आपको, आप झूठ बोल रहे। अरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है भाई, किसी को नौकरी नहीं मिलता है, किसी को स्मार्टफोन नहीं मिलता है। आज कहते हैं कि नौकरी पकोड़ा बनाने वाला आपको मिलेगा, दूध बेचने वाले को मिलेगा, नौकरी पान बेचने वाले को मिलेगा। यहां तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खुद ब खुद चौकीदार बन चुका है, और वो भी कैसा चौकीदार, चौकीदार। मैंने देखो, अब बहुत चौकीदार लोग बोल रहे कि हमारा बदनामी हो रहा है, हाँ जो जो इतने अच्छे काम भी करते उनका भी बदनामी हो रहा है, ऐसा मत करिए। सिर्फ एक चौकीदार चोर है, सिर्फ एक। अच्छा, मैंने थोड़े दिन पहले, हम क्या चाहते हैं मैं बताने वाला हूं, लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने सुना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कांग्रेस के बहुत लोग आज भी बीजेपी में है, प्राइवेटली मुझे फोन करते हैं,
लेकिन मीडिया के सामने, प्रेस के सामने गंभीर चेहरा और महाराजा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में हम कंप्लेन करेंगे। महाराजा आपको भी ना, क्यों? मैंने जाति के बारे बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोला, सबको प्यार करता हूं। इस परिवार ने बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट किया, रविन्द्रनाथ टैगोर को आदर किया। जब जगदीश चंद्र बोस को लंदन जाना था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा महाराजा को आप मदद कीजिए। महाराजा ने महारानी का खुद का जेवर को बेचा, रुपए जगदीश चंद्र बोस को दिया, वो जाकर हायर अपना क्वालिफिकेशन लंदन में किया। इतना मीठा भाषा बंगाली लैंग्वेज, बंगाल के बाहर किसने उसको ओहदा दिया? शांति निकेतन को किसने सुविधा दी? हर साल त्रिपुरा के ट्रेजरी से, महाराजा के खुद के ट्रेजरी से शांति निकेतन को पैसा जाता था, क्योंकि हम चाहते थे कि भाषा कला आगे बढ़े। बच्चों को आप कहते हैं कि वो कम्युनल है, मैंने सबके लिए बात किया, मैंने सबको प्यार किया है। मैं नहीं देखता हूं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मैं नहीं देखता हूं। और जब जब कुछ गलत बात होता है, सच कड़वा होता है, मैं सच बोलता हूं। सच बोलने से कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। लेकिन प्रोपेगेंडा है कि प्रद्युत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कम्युनल है। मैं बोलना चाहता हूं कम्युनल का मतलब क्या। आपके कैबिनेट में यहां में 10 एससी एमएलएस हैं, प्रकाश बाबू यहां में है, एक एससी को आपने जगह नहीं दिया कैबिनेट में। आप हमको बोलते हैं कि आप भेदभाव करते हैं। आपके कैबिनेट में एक एससी को आपने जगह नहीं दिया और आप हमारे ऊपर आरोप करते हो कि आप भेदभाव करते हो। अच्छा, त्रिपुरा के बारे बोलता हूं तो बोलते हैं कि आप क्यों अपने राज्य के बारे बोलते हैं। हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 14 साल तक बोलते रहे माड़ो गुजरात में, माड़ो गुजरात में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा हाँ मैंने किया, बोलते रहते। जब जापान का प्रेसिडेंट आता है तो जाता है गुजरात, चाइना का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आता है, आप ले जाते हैं गुजरात, बराक ओबामा आता है, बराक ओबामा आप बराक आता है तो आप उसको ले जाते हो गुजरात, अहमदाबाद झूला में दोनों झूल रहे हैं। अच्छा, नीरव मोदी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लंदन में हो। तो जब नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात 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 बोलता है तो ठीक है, मैंने त्रिपुरा के बारे बोला तो कहते हैं कि आप सिर्फ अपने राज्य के बारे बात करते हो, ये डबल टॉक है। मैंने झूठ तो नहीं कहा, यहां में अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी है, यहां में ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी है, दवा का कमी है। आप रुद्रसागर में हाथ रखते हो ऑक्सीजन के लिए, पूरा हिंदुस्तान हंसता है, लेकिन हम कर रहे हैं। 4 करोड़ खर्च करते हैं यूथ फेस्टिवल के लिए, लेकिन
जो प्लेन आता है उनको फ्यूल सरचार्ज नहीं मिलता है। एयरपोर्ट में बोलते हैं कि प्लेन अब नहीं आएगा, स्पाइस जेट नहीं आएगा, कोई एयरलाइन नहीं आएगा, और आप हमारे पास पैसा नहीं है, और आप एक यूथ फेस्टिवल के लिए 4 करोड़ खर्च करते हो, इवेंट मैनेजमेंट करते हो, गाना गाते रहते हो, क्या क्या था, दिल दिया है जान भी देंगे। हमको आपका दिल नहीं चाहिए, आप भगवान करे आपको जान उम्र भी बहुत लंबा हो, नौकरी दे दीजिए, वो भी नहीं देंगे। कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस ने वादा किया था कि फार्मर का लोन, किसान का लोन हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लाएंगे 10 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर हमने पूरा किया। ये आपके बैंक में आएंगे, नहीं होगा भैया, हम 15 लाख रुपए आपको नहीं दे सकते, लेकिन मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन जैसे वहां में अपना शंकर है, उनको महीने का मिलता है 10,000, कांग्रेस पार्टी उनको 6,000 और देगी तो उसको मिलेगा 16,000। यहां में मधुलिका है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क करती है, उसको मिलता है 6,500 हर महीना, घर में बच्चा है, उनको 6,500 मिल रहा है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी उसको 6,000 और देगी तो उनको मिलेगा 12,500 रुपए। वहां में कोई दुकान में काम कर रहा है, उसको मिल रहा है 3,500, ठीक है, मालिक के पास इतना ही क्षमता है, नो प्रॉब्लम, कांग्रेस पार्टी 6,000 और देगी हर महीना, हर महीना, और आपको मिलेगा 9,500। बीच में दलाल नहीं, डायरेक्ट पैसा आपके बैंक के अंदर, साल में 72,000 रुपीस आपके अकाउंट में आएगा, ये हम गारंटी करके देते हैं कि 340 मिलेगा। लेकिन 100 दिन का रेगा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 100 से 150 दिन करेंगे, 150 दिन, तो आपका रेगा पहले से आपको ज्यादा अवसर मिलेगा, रेगा के लिए आपको सुविधा मिलेगा। झूठ बोलकर राजनीति नहीं करना चाहते हम। आज का प्रॉब्लम क्या है, आज का प्रॉब्लम है कि हम इतना झूठ बोलते हैं, पब्लिक को इतना झूठ बोलते हैं कि पब्लिक आज हम नेताओं को विश्वास नहीं करता। ये सफेद सफेद कुर्ता पहनकर हम आते हैं, लेकिन आप भी, मैं भी जानता हूं कि आप लोग विश्वास कम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग डेमोक्रेसी में ज्यादा विश्वास करें। यहां में 11 तारीख को आपका वोट है, किन को वोट कीजिए वो आपका अधिकार है। मैंने ये कहा था कि जब प्रद्योत विक्रमादित्य देव वर्मा प्रेसिडेंट बनेगा तो माफिया, क्रिमिनल, ड्रग लॉर्ड्स को मौका, पद कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलेगा और हम करने नहीं देंगे। यहां में जो गुंडे हैं, जो माफिया है, सीपीएम में था, आज वही लोग बीजेपी में है। मैं जानता हूं कि बीजेपी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से वो त्रिपुरा का भला चाहते हैं। मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी आप राज्य के बारे पहले सोचिए, पार्टी के बारे बाद में सोचिए। अगर ये होगा, लीडर अच्छा तो पार्टी अच्छा, लीडर अगर घटिया है, क्रिमिनल्स को आप अलाउ करते हो, नशा मुक्त का बात करते हो और उन्हीं के लोगों को आप एक अवसर देते हो। आपने कहा नशा मुक्त, स्मगलर्स तो घूमते रह रहे हैं। आप जानते हैं कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है।
आपका आवाज दिल्ली पहुंचना चाहिए। यहां में जो प्रॉब्लम है उसको दिल्ली जाना चाहिए। आज हमारे मंत्री लोग पैसा कमाने के लिए कल्चर को खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन जब यहां में भाषण हो, जब मैं प्रेसिडेंट हूं, यहां में गोपाल बाबू हैं, शुभल बाबू हैं, प्रकाश दास जी हैं, मानिक जी हैं, रत्ना मैम हैं और बहुत लीडर्स हैं, यूथ कांग्रेस के गुड्डू हैं, प्रशांत बाबू, बहुत सीनियर लीडर्स हैं। मैं आपको भी हाथ जोड़ के, गोपाल बाबू को भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि ऐसा कल्चर हमको, कांग्रेस पार्टी को भी खत्म करना चाहिए। मेरा एक प्रपोजल है कि ये जो डायस है, हम लोग इतने लीडर हो गए इस डायस में जगह कम है, वहां में आदमी कम है। हम चाहते हैं कि यहां में सामने कुर्सी हो, सोफा सेट हो, कुर्सी हो, नो प्रॉब्लम। हम वहां बैठे पब्लिक के साथ, जब समय आए, एक जब वक्तव्य किसी को देना है वो यहां से चल के आए, अपना भाषण, अपना वक्तव्य दे, भाषण खत्म, वापस बैक टू द पब्लिक। ऐसा कल्चर हम क्रिएट करेंगे, वीआईपी कल्चर बंद करेंगे, ईगो अहंकार को कम करेंगे, एक संग बात करके वहां में बैठेंगे, यहां में एक लीडर बात करेगा, भाषण खत्म, आप वापस पब्लिक के पास। ऐसा कल्चर हमको क्रिएट करना है। 18 तारीख को है और 11 तारीख को यहां में बीजेपी आपको डराना कोशिश करेगा। सीपीएम डर कर बैठ चुका है, कॉन्टेस्ट सीपीएम में नहीं है, सीपीएम थर्ड पोजीशन का बात कर रहा है, कॉन्टेस्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आपको डराएंगे अगर समाज 5-6 गुंडे के लिए चुप हो जाएगा। अगर आप एक दिन के लिए, आपका पास एक दिन है, डरो मत, एक दिन के लिए आप सामने जाइए, कुछ डरने का बात नहीं है। सामने है ईवीएम, आप है एक कमरे के अंदर, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका हक, आपका वोट, आंख बंद करके कांग्रेस को वोट कीजिए। मैं गारंटी देके बोलता हूं, शुभल बाबू आपका प्रॉब्लम दिल्ली में बोलेगा। यहां में शुभल बाबू है, इन्होंने भी समझा है, ये अंदर से जानते हैं कि बीजेपी क्या करता है। और अगर लोहा लोहा को काटता है तो शुभल बाबू भी बीजेपी को काटना जानता है। चिंता मत कीजिए, आपका अधिकार है, आप अपना अधिकार निभाइए। आने वाले दिन में हम सब आगे बढ़ेंगे। यहां में पुलिस है, यहां में सिक्योरिटी है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये आपको रक्षा करेंगे। ये अपना वर्दी जानते हैं, बीजेपी कांग्रेस सीपीएम को नहीं देखते हैं, अपना वर्दी जानते हैं। आप इनको भी ताली मार के एक अच्छे जोरदार से, ये आपको सुरक्षा करेंगे। आखिर में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं और हम सब आने वाले दिन में त्रिपुरा को आगे ले जाएंगे।